हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बॉईल किया हुआ आलू लिया है। अब इसे हम मैश कर लेंगे। तो देखिए, आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार काला नमक डालेंगे। मैं काले नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाना आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब कभी आपके यहाँ पे रात की रोटियाँ बच जाए तो आप इस नाश्ते को ज़रूर बना कर देखें। तो देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब आलू की इस स्टफिंग को हम साइड में रख देंगे। अब मैंने ये रात की बची हुई 4 रोटियाँ ली हैं। गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा रखा है। तवे पर हम एक रोटी रखेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। इस नाश्ते को आप ताजी रोटी से भी बना सकते हैं। इसे पलटकर दूसरी साइड भी इस पर ऑयल ग्रीस कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। अब इसे हम दबा दबा कर सेक लेंगे। ऑयल की जगह पे आप घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने रोटी को दबा दबा कर क्रिस्पी पन होने तक सेक लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम बाकी की बची हुई रोटियों को सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने रोटियों को तवे पर हल्का हल्का सा सेक लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पूरी करेंगे। सबसे पहले मैंने एक रोटी ली है। अब इस पर हम हरी चटनी लगाएंगे। अगर आपके पास हरी चटनी नहीं है तो आप टमाटर सॉस या पिज्जा सॉस भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने हरी चटनी को रोटी पर लगा दिया है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग रेडी की है उसे हम रोटी पर रखेंगे। तो देखिए, आलू की स्टफिंग को मैंने रोटी पर इस तरह से रख दिया है। अब इसे हम हल्का सा दबा देंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से एक रोटी रखेंगे। अब इस पर मैं टमाटर सॉस लगा रही हूँ। अब इस रोटी पर हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बारीक कट किया है, आप चाहें तो लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। थोड़े से टमाटर डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से एक रोटी रखेंगे। अब इस रोटी पर फिर से मैं हरी चटनी लगा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है,
अगर आपके पास हरी चटनी नहीं है, या तीनों रोटियों पर आप टमाटर सॉस भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने हरी चटनी को फैला दिया है। अब इस रोटी पर मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, अमूल चीज़ या फिर चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम रोटी पर रख देंगे। ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आने वाला है, और बच्चों को तो खास करके ये नाश्ता पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमने चीज़ का यूज़ किया है और चीज़ बच्चों को बहुत पसंद होता है। अब इस पर हम फिर से थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर बच्चे तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर काली मिर्च पाउडर डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं। अब इस पर हम एक रोटी को पलट कर रखेंगे। तो ये हमारी रोटी पूरी तरह से रेडी हो गई है। अब हम बाकी की बची हुई प्रोसेस को पूरा करेंगे। गैस पर मैंने वही तवा रखा है। अब इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हमने जो रोटी रेडी की है उसे हम इस पर रखेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे और इसे हम हल्का हल्का सा दबाते हुए क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अब ऊपर की रोटी पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब इस रोटी को हमें पलटना है, तो ये इतनी आसानी से नहीं पलटाएगी। इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और रोटी को पहले प्लेट पर निकाल लेंगे। अब हम इसे पलट देंगे। देखिए इस तरह से मैंने रोटी को पलट लिया है। अब इसे हम फिर से दबा दबा कर सेक लेंगे। तो इस तरह से मैंने दूसरी साइड से भी रोटी को क्रिस्पी होने तक दबा दबा कर सेक लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और रोटी को तवे पर से उतार लेंगे। तो देखिए बची हुई रोटी का कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। रात की बची हुई रोटी से आपने ये नाश्ता पहले कभी नहीं बनाया होगा। आप इस नाश्ते को एक बार जरूर बना कर देखें। बची हुई रोटी से आप एक बार ये नाश्ता जरूर बना कर देखें। ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।